टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस लाल बटन पर क्लिक करके, और उसके साथ साथ हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टेक इन्फो इन हिंदी में। मैं हूं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अनीस। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जोलो के एक नए फोन के बारे में जिसका नाम है जोलो एरा 1X प्रो। तो इस फोन के बारे में आज हम जानेंगे कि कितने प्राइस में लॉन्च हुआ है, कैसा है ये फोन और आप इसे ले सकते हैं या नहीं, ये आप जान पाएंगे इस वीडियो को पूरा देखकर। तो पूरा अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ऐसे वीडियोस पाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं पहले हम इसके प्राइस से। प्राइस जो इसका रखा गया है वो है 5,888 रुपीस, और आपको ये स्नैपडील पे देखने को मिलेगा 19 तारीख से। वहां से आप खरीद सकते हैं दो कलर वेरिएंट में, ब्लैक एंड गोल्ड। इसके डिजाइन के बारे में बात करें तो आप उसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके का दिख रहा है ये डिजाइन। फिलहाल हम मेन मुद्दे की बात करते हैं, वो है इसका स्पेसिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू प्राइस इसका स्पेसिफिकेशन है या नहीं ये हम जानते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है 5 इंच का HD डिस्प्ले 720x1280 रेजोल्यूशन के साथ, और साथ साथ 1.5 GHz का यहाँ पे आपको क्वाड कोर प्रोसेसर मिल रहा है। कौन सा प्रोसेसर है ये नहीं बताया गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको 2 GB का रैम, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है, जिसको बढ़ाकर आप 32 GB तक एक्सपेंड कर पाएंगे। 8 MP का यहाँ पे आपको बैक साइड में कैमरा देखने को मिल रहा है विद LED फ्लैश, और फ्रंट में आपको डुअल LED फ्लैश के साथ 5 MP का कैमरा देखने को मिलेगा। यहाँ पे और भी चीजें दी गई है, 2500 mAh का यहाँ पे आपको बैटरी भी देखने को मिल रहा है, और साथ साथ यहाँ पे आपको 3 तरह के सेंसर देखने को मिलेंगे इस फोन में। पहला है एक्सेलेरोमीटर, दूसरा है प्रॉक्सिमिटी और तीसरा लाइट सेंसर। तो ये सब सेंसर है, 4G VoLTE सपोर्टेड है, OTG सपोर्टेड है ये फोन। तो ये सब चीजें आपको इस फोन में देखने को मिलेगी, ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट सब कुछ। तो अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि ये फोन कैसा है 5,888 के प्राइस में। फ्रेंड्स, इसका डायरेक्ट जो है टक्कर होता है रेडमी के 4A से। 4A का जो प्राइस है वो है 6,000 के लगभग, मतलब 5,999। तो डायरेक्ट उसी से इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं। उसमें अगर हम देखें तो 3,120 mAh का बैटरी है उस फोन में, साथ साथ उसमें अच्छा प्रोसेसर 425 वाला प्रोसेसर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूंगा कि इससे अच्छा शाओमी का रेडमी 4A है, बट रेडमी का जो फोन है वो जल्दी परचेज नहीं हो पाता है, जल्दी मिल नहीं पाता है, क्योंकि सेल होता है तो उस टाइम आप नहीं खरीद पाए, तो फिर आपको इंतजार करना पड़ता है। तो उस हिसाब से ये फोन आप ले सकते हैं फ्रेंड्स, ये काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे प्रोसेसर भी ठीक ठाक है 5,888 के प्राइस में, और यहाँ पे रैम वगैरह जो डिस्प्ले है और जो बैटरी है वो ठीक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं नॉर्मल यूजर्स के लिए। तो यही मेरा ओपिनियन है, आपका क्या मानना है इस फोन के बारे में प्लीज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई भी क्वेश्चन रहे तो कमेंट में कमेंट करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलता हूं फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।